यस चलिए एक और नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, नाम है ईशु गोयल। ईशु गोयल के बारे में मैं बता दूं कि ईशु गोयल ने कई सारे एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सबसे पहले इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स में फर्स्ट रैंक आई है। और इंदिरा गांधी जो कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल का कॉलेज है। इसके अलावा न्यूसेट में 315 रैंक, बीएचयू में 124 रैंक और आईपीयू में 32 रैंक। तो इतनी सारी रैंक के लिए सबसे पहले ईशु आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ईशु के बारे में सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि ईशु ने इंदिरा गांधी का जब इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था तो उसमें फर्स्ट रैंक आई। और क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है, दिल्ली का रेपुटेड है, टॉप मोस्ट कंपनियां आती जिसके बारे में ईशु अभी बताएगी, तो इसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था। पढ़ाई पूरी तरह से निमसेट की कर रही थी इसीलिए अलग से कोई एफर्ट नहीं डालने पड़े। और जिस समय निमसेट का एग्जाम था उस समय कॉलेज के इंटरनल एग्जाम चल रहे थे, उसके बाद भी देखिए 315 रैंक इनकी आई है। पर क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि कॉलेज अच्छा है तो अब एनआईटी के थ्रू की जगह इस कॉलेज से ही एमसी किया जाए। बीएचयू में भी अच्छी रैंक थी, आईपीयू में भी अच्छी रैंक थी, पर कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो इशू सबसे पहले आप अपने बारे में आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो बताओ, क्योंकि आपने सब रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की। इनफैक्ट निमसेट के समय भी आपने अपने कॉलेज के साथ जो आपने पढ़ाई की थी उसके वजह से इतना अच्छा रैंक आया, उसके बाद भी इतना अच्छा रैंक आया, तो ये सब सक्सेस जर्नी क्या है आपकी? सर सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये जर्नी मेजरली जो फोकस होती है थर्ड ईयर पे होती है कॉलेज के। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सो मेजर वहां से फोकस होता है। बट दिस ऑल स्टार्टेड लाइक आफ्टर 12th। सो पार्ट टाइम मैं टीचिंग करती हूँ, 11th 12th को मैथ्स पढ़ाती हूँ, मतलब सारा पढ़ा रही हूँ मैं इतने टाइम से, 3-4 साल से। सो उसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है पढ़ाने में, कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं, सो बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में इंट्रैक्शन हुआ सीनियर से, सो उनकी उनके बारे में पता चला कि वो कैसे कर रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो वहां से एमसीए में इंटरेस्ट डेवलप हुआ थोड़ी थोड़ी। फिर क्योंकि लॉजिकल में एंड मैथ्स में इंटरेस्ट मुझे पहले से ही था तो स्टार्ट करने में काफी इजी रहा मुझे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर होते गए। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट इम्पीटस गुरुकुल जब उसने ज्वाइन किया था, सो आई वाज लाइक सुनने में काफी अच्छा लग रहा है बट अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। सो धीरे धीरे किया बट देन लॉकडाउन हो गया एंड इट वाज लाइक कि अब नहीं हो रहा खुद से, अब बिल्कुल जैसे दिमाग बंद होने वाला हो गया है तो अब कुछ चाहिए। तो तब थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैंने पहले इम्पीटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। सो दैट वॉज अराउंड मिड मे में मैंने अप्रोक्सीमेटली ज्वाइन की थी एंड फर्स्ट टेस्ट दिया था। एंड उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था, आई रिमेम्बर, कि सर मैंने ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और इतने मार्क्स आए हैं एंड मेरे ये वाले टॉपिक्स ठीक चल रहे हैं एंड ये वाले टॉपिक्स अच्छे नहीं है। तो आपने बोला था कि बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ऐसा करो, आपने सजेस्ट किया था मुझे कि आप फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करो। सो इट्स लाइक फिर उसके बाद मैं फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में पढ़ा, आपने भी बहुत हेल्प की, आपने समझाया कि क्या क्या इससे फायदा होगा एंड मार्क्स काफी बूस्ट अप होंगे। एंड लिटरली 3-4 टेस्ट के बाद जब आप एनालिसिस देते थे मुझे मार्क्स इतने ज्यादा शूट होते हुए दिखाई दिए ना, लाइक ओ माय गॉड दिस इज लाइक वास्ट चेंज। सो वो बहुत बड़ी खुशी का फैक्टर था। फिर उसके बाद जैसे जैसे फॉर्म्स आते गए तो फॉर्म्स भरते गए एंड सबसे पहला एंट्रेंस आई डोंट नो IGDTUW ने ले लिया। सो दैट वाज इन जब बिल्कुल ही लॉकडाउन था, जब बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब दिया था वो एंट्रेंस। एंड एकदम से रिजल्ट आता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी कि रिजल्ट आ गया देख ले, लाइक ओके। एंड लिस्ट में नाम है, स्क्रॉल किया जनरल सेक्शन सबसे नीचे था। सो मैंने स्क्रॉल किया, अच्छा ठीक है मेरा नाम है, फर्स्ट नेम, लाइक ओके। तो मुझे फर्स्ट नेम कुछ तो चेंज होना चाहिए, हम फर्स्ट नेम कैसे हो सकता है। सो फिर उसके बाद मैंने सारे पहले रोल नंबर चेक किए, रोल नंबर वाइज नहीं थी, अल्फाबेटिकल वाइज नहीं थी। इतने में किसी सीनियर का फोन आता है, कंग्रेचुलेशंस इशू, तेरी फर्स्ट रैंक है, लाइक वाओ। मुझे आधे घंटे तक बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। फिर उसके बाद बाकी एंट्रेंसेस हुए थे, फिर उसकी रैंक भी काफी अनबिलीवेबल थी। एक आदमी तो सबसे पहले मैंने सर को ही फोन करके बताया, सर ऐसे ऐसे हुआ है अब क्या करूं। तो अभी पता ही नहीं चला, अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही मैं इसे। नहीं, मुझे याद है बिल्कुल इशू। और जो आपने भी बात बोली, क्या होता है जैसे जब आपने, मुझे याद है टेस्ट सीरीज का पहला पेपर दिया था, हम लोग कई बार बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, जैसे आपने आपको पढ़ाना था 11th 12th का सब आता है, पर वो जो टेक्निक्स होती है क्वेश्चन सॉल्विंग, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना, आइडियाज ऑफ क्वेश्चंस,
वो कई बार लैग कर जाता है सेल्फ स्टडी में, कभी कभी यही होता है। ये तो बिल्कुल है, क्योंकि दो चीजें जो मैंने सबसे बड़ी चीजें पीटर गुरुकुल से सीखी है, एक तो एनालिसिस इतनी हेल्प कर सकती है कि आप सोच नहीं सकते, और ये मैंने आपसे सीखा सबसे बड़ी चीज कि एनालिसिस में आप एक क्वेश्चन को चार तरीके से एनालाइज करोगे एंड तब आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से आपको स्ट्राइक कर रहा है एंड कौन सा तरीका फास्ट है। एंड दूसरी चीज जो मैंने आपसे सीखी है, सी ए क्वेश्चन 10 सेकंड में हो रहा है ठीक है, नहीं तो जंप जंप जंप। एंड इसकी वजह से हर पेपर में अप्रोक्सीमेटली 50% इसी से हेल्प हुई है मेरी। दिस इज द बिगेस्ट टू थिंग्स जो मैंने आपसे सीखी है। इतना मजा आता था एनालिसिस में, आई कांट टेल यू, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ये होता था। एंड फिर उसके बाद जो ऐसा होता था ना, वो चीज दिमाग में रह जाती थी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना सर ने वैसे किया था, ये वाला ऐसे होगा क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही बात है कि जो एनालिसिस पे, क्योंकि आप कई बार हमें सब आता है पर हमें वो चीज जो रैंक को निकालने के लिए जरूरी है, वो चीजें आपने बहुत कम समय में ऑब्जर्व की और बहुत अच्छा समय रहते हुए, मतलब इतने कम समय में रहते हुए आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। उसका कारण ये था कि कंसेप्ट थे, मैथ्स भी आती थी, पर वो जो मैथड से करना और जो लॉजिक से करना, उनका एक डिफरेंस जो था वो आपने बहुत जल्दी पिकअप किया, और देखो उसका एक फायदा आपको हर एग्जाम में मिला। सर इससे पहले मेरी सारी टेक्निक होती थी क्वेश्चन देखा सॉल्व करना शुरू करो, बट ज्वाइन करने के आई गेस 1.5 महीने बाद मेरा था क्वेश्चन देखा पहले ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन है कितना डिफरेंस है। जैसे आप बोलते थे अगर सिमेट्रिकल आंसर्स हैं तो सिमेट्रिक में से कोई भी नहीं होगा, जो अलग सा होगा वो होगा या फिर नन होगा। सो दिस वाज कि हाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन से काफी हेल्प होती है, 50-50 वाली चॉइस हो जाती है इतनी बार। वेरी गुड। अच्छा इशू, आप मुझे जो इंदिरा गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वुमेन्स के लिए, इसके बारे में बताएं, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसे कॉलेज के नाम ही नहीं पता होते, जबकि इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा कॉलेज है, टॉप कंपनियां आती हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो ये सेशन सुन रहे हो स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो इन इस कॉलेज के लिए भी ट्राई करें। और ये भी बताना आपको कि आपने इसके लिए अलग से नहीं पढ़ाई की, क्योंकि कई लोग मिसगाइड हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा बोला जाता है JNU DU BHU, पर मेरा ये मानना है निमसेट की एक अच्छी बेस प्रिपरेशन के साथ जो एडिशनल सिलेबस है उसका अगर कंसेप्ट बना लिया जाए तो अलग से कुछ नहीं करना होता। तो आप पहले तो इस कॉलेज के बारे में बताओ। सर हाँ जी बिल्कुल, मतलब पहली बात एंट्रेंस के लिए बिल्कुल भी निमसेट के अलावा कुछ भी नहीं देखना, सेम सिलेबस है बिल्कुल, आप वही पढ़िए। तो आपको कुछ भी एक क्वेश्चन भी, आई डोंट थिंक सो कि एक क्वेश्चन भी आपको अलग लगेगा। कंप्यूटर्स आपका बेस सेम आ रहा है, मैथ्स आपकी सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, लॉजिक भी अप्रोक्सीमेटली वही होता है। सो अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी के साथ पेपर ये जरूर दीजिए। एंड इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड यू आर अ फीमेल, आपको जरूर जरूर भरना चाहिए ये एग्जाम, बिकॉज काफी ज्यादा रिप्यूटेड कॉलेज है, काफी ज्यादा रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। टू स्टार्ट विथ कंपनीज काफी अच्छे आ रहे हैं, लास्ट फास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कॉलेज का, एंड पैकेजेस भी काफी अच्छे लगते हैं। टू नेम अ फ्यू कंपनीज, अमेजोन आ रही है, एंड देन देयर इज अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को एंड मेनी मोर बिग नेम्स। सो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसका भी जरूर दो। एंड आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा होगा जो इस कॉलेज में आकर रिग्रेट करता है, क्योंकि रेपुटेशन, कंपनीज, पैकेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग फैकल्टी, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा ये जो कॉलेज है ये आउटसाइडर दिल्ली के लिए भी इसमें कुछ सीट्स हैं, क्योंकि बच्चे ये जब सुनेंगे तो वो जरूर उनका ये क्वेश्चन होगा। तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और दिल्ली और अदर स्टेट के बच्चों के लिए क्या इनका वो है परसेंटेज? सर इस परसेंटेज के बारे में तो मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आउटसाइड ऑफ दिल्ली से भी काफी बच्चे आए हैं एंड उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल भी कॉलेज में ही प्रोवाइडेड है। ओके, तो वो अलग अलग उनका रिजर्वेशन होता होगा अदर स्टेट के लिए और दिल्ली स्टेट के लिए, मे बी सर, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो अभी आपको कॉलेज में कैसा लग रहा है? सर अभी तो मेरे एंड सेमेस्टर परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स वगैरह काफी अच्छे से पढ़ाए हैं टीचर्स ने एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जैसे मैंने बताया फैकल्टी अच्छी है, सो अभी ठीक चल रहा है। एंड उसके अलावा जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आई वुड लाइक टू से कि अभी के लिए ये मत सोचो कि क्या आउटकम होगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो सर हर क्लास में बोलते हैं, आउटकम की मत सोचो, अभी मेहनत करो, मेहनत बस लगे रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। बिकॉज फर्स्ट एग्जाम मेरा IGDTU का हुआ था एंड आई रिमेम्बर बहुत क्लियरली, आई रिमेम्बर मैंने सर को रात को फोन किया था पेपर से पहले, सर मेरा बहुत ज्यादा ऐसे समझ में नहीं आ रहा कल क्या होगा पेपर में, आप प्लीज बता दो। सर लाइक यू नो द कॉन्सेप्ट, तो द पेपर की टेक्निक्स आती है, हो जाएगा, चल आराम से सोचा।
देखो इशू, आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, जो आपके चेहरे की खुशी है ना, मतलब आपको देख के जो खुशी दिख रही है वो अलग समझ में आती है। जब हम कुछ मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अभी भी मैं, बच्चे जुड़ गए तो कई सारे जूनियर्स को बड़ा प्रेशर होता है, टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा, मैं बोलता हूँ वेट करो धीरे धीरे आएगा, थोड़े से में पैनिक होने लगते हैं होगा कि नहीं होगा। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो हम एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और कितनी अच्छी बात बोली, तो मैं चाहूंगा ऐसे बच्चों को आप जरूर मैसेज दो अपनी तरफ से कि आप क्या बोलोगे, क्योंकि हर टेस्ट के बाद कई बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं या उनको एकदम लगता है अभी तक नहीं हुआ कुछ, आगे क्या होगा। सर ये होता है, जैसे कुछ जूनियर्स हैं मेरे कॉलेज के एंड दे आर लाइक कॉल करते हैं, दीदी कैसे करना है, आपने कैसे किया। सो उनको मैं एक ही चीज बोलती हूँ, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है कोई भी, मतलब नॉट पर्टिकुलरली इन पीटर्सबर्ग कोई भी, तो उसमें अच्छे से करो। एंड अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए सेल्फ स्टडी करो एटलीस्ट, उसके बाद इन पीटर्स गुरुकुल की जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उसके टेस्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं एंड इतने ज्यादा ऑन टू पॉइंट हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखे। एंड जैसे बच्चे पूछते हैं कि अभी तो हमें कुछ नहीं आता, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें तो टेस्ट में कुछ नहीं आता होगा, तो कोई नहीं, 10-12-20 क्वेश्चन जितने आते होंगे उतने करो, उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप कंसेप्ट साइड बाय साइड पढ़ रहे हो। एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, हर सैटरडे हर संडे, मतलब एक दिन वीक में जरूर टेस्ट दो, दैट इज द गोल्डन रूल जो शरद सर ने हम सबको फॉलो करवाया है। तो इशू ये बताओ मुझे, निम सेट के समय आपकी निम सेट में भी बहुत अच्छी रैंक है 315, और ये डिसाइड हो चुका था कि आपको फिलहाल में NIT नहीं जाना, तो और उस समय आपके एग्जाम भी चल रहे थे, पर निमसेट में भी आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, और निमसेट देते समय आपका माइंडसेट क्या था? सर जैसे आपने ना, जब फर्स्ट पेपर होता था कोई भी, तो आप हमेशा बोलते थे कि ये सोच के जाओ कि हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस है, तो तुम्हारे पास प्रेशर नहीं बनेगा। एंड वो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस वो सच हो गया मेरे लिए, कि मेरे पास अच्छा ऑप्शन था ऑलरेडी, सो उसका मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बना। एंड उसके अलावा था, ठीक है इतने क्वेश्चंस इतने पेपर्स इसी टाइप के सॉल्व कर रखे हैं, तो कुछ ज्यादा नहीं हो सकता, इतने पेपर्स तो सॉल्व करवाए ही हैं सर ने, इतनी एनालिसिस दिए हैं। एंड वो हुआ, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर मैथ्स का क्वेश्चन करी थी मैं सबसे लास्ट, उसमें था कि देर इज अ डाइस एंड उसके ऑल्टरनेटिव कलर्स करने हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कलर कितने यूज होंगे आई गेस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड आई जस्ट 10 सेकंड बचे थे, मैंने कैलकुलेट करने का टाइम नहीं था, तो 3 है इसका आंसर, कर दे तू खत्म कर इसको। एंड फिर वो घर पे आके चेक किया, हाँ इसका आंसर 3 था, क्योंकि वो क्वेश्चन इतनी बार करा हुआ था टेस्ट पेपर्स में, काफी क्वेश्चंस में हुआ था। तो अभी आपको काफी मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, अब आपको जो बच्चे आगे जाके ये एग्जाम देंगे डेफिनेटली आपसे कनेक्ट भी होंगे, आपसे बात भी करेंगे। और आपने ये दोनों पढ़ाई फाइनल के साथ ही आपने एग्जाम निकाला, तो फाइनल ईयर की पढ़ाई के साथ इसका टाइम मैनेजमेंट कैसा था? सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का आज है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उस पे आप क्या बोलोगे? सर उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं एंड फाइनल ईयर में हैं, तो ये ना हमारे दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाता है कि हमें इसके लिए भी पढ़ना है उसके लिए भी पढ़ना है, जबकि अगर हम निमसेट की पढ़ाई हटा के देखें तो फाइनल ईयर का कोई भी स्टूडेंट इतना दिल लगा के बैचलर्स के लिए नहीं पढ़ता है, दिस इज द सोल ट्रूथ। बिल्कुल, तो अगर आप उसका थोड़ा दिमाग लगाएंगे एंड सोचेंगे कि अच्छा इसके लिए 2 घंटे भी पढ़ने तो बहुत है, तो उसके अलावा आपको 6-7 घंटे का टाइम फिर भी रहेगा, उसमें से 3 घंटे आप डेली निकाल लेते हैं बहुत है, और 3 घंटे आप डेली निकाल लो, 5 दिन आप कॉलेज जाते हैं, संडे को आपने एक टेस्ट सॉल्व करना है, बहुत प्यार से हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा इशू आपसे बात करके, काफी मजा आया, और आई थिंक स्टूडेंट जो भी ये सेशन सुनेंगे उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपने अपने तरीके से पढ़ाई की है बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और अब ऐसे ही आप अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ही टॉप करो और आगे भी बढ़ो और खुश रहो और अपने जूनियर को भी मोटिवेट करो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।